गाइस तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल पीयूष भाटी व्लॉग्स। और मैं पहुंच चुका हूं जिला गुड़गांव। चल सकते हैं अपन एल्विस भाई के घर की तरफ और आप चलो आगे वीडियो की तरफ। जल्दी जल्दी पहुंचते हैं बाहर और पीते हैं एक अच्छी चाय और करते हैं अपने आप को फ्रेश। और ताज की बरामदाज फिर से लौटेंगे एनर्जी के साथ। तो जी गाइस पहुंच गए रेलवे स्टेशन जोधपुर के और चलते हैं अंदर और निकलते हैं अपन गुड़गांव के लिए। बहुत ही ज़्यादा भीड़, तो दोस्त अभी ड्रॉप करके गए हैं और देखते हैं अपने ट्रेन की टाइमिंग। आधा घंटा बच रहा है अभी भी, तो चलते हैं अंदर और ढूंढते हैं अपना डब्बा S3 जिसमें अपनी टिकट है। ओके, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मैं पहुंच गया ट्रेन के अंदर और फिर संवारे अपने बाल और फिर कैमरे को कहा थम्स अप और फिर इधर उधर देखते हुए मैंने कैमरे को कहा कि सब ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर थोड़ी देर में मेरा मन हुआ कि मैं सो जाता हूँ। फिर मैंने ऐसा कुछ प्लान किया और आखिरकार अपन नींद की तरफ बढ़ गए। साढ़े पाँच बज रहे हैं क्योंकि तो 5:30 बजे एग्जैक्ट छोड़ा है ट्रेन ने हमें यहाँ पे। और अब धीरे धीरे चल रहे हैं बाहर की तरफ और स्टेशन पे देखो अभी भी भीड़ है खूब सारी। एक नंबर पे तो खूब सारे लोग दिख रहे हैं मेरे को यहाँ से, तो चलते हैं अपन बाहर और पीते एक अच्छी चाय फिर मिलते हैं आपसे वापस। चाय आ गई है और चाय पी लेते हैं। पी के नहा धो के फ्रेश होके मैंने खाया खाना और खाना खाने के बाद सीधा आ गया मैं एल्विस भाई के फ्लैट पे। तो मैं लोकेशन तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो मना करते हैं, इसलिए मैं लोकेशन नहीं बताना चाहता। और घर पे इसलिए नहीं गया क्योंकि वो व्लॉग में हर बार मना करते हैं कि प्लीज़ मेरे घर पे मत आया करो, मेरे घर पे मत आया करो, मेरे घर पे मत आया करो। तो इस वजह से मैं घर पे भी नहीं गया, तो मैंने सोचा कि अपन फ्लैट पे चलते हैं और जितना वो घर पे नहीं रुकते उससे ज़्यादा वो फ्लैट पे रुकते हैं। तो इसलिए मैं फ्लैट पे पहुँच चुका हूँ और बस उनका वेट है। तो वो पूरी होप है कि आज फ्लैट पे आएंगे, 200% होप है कि फ्लैट पे वो ज़रूर आएंगे। तो बस उस टाइम का वेट कर रहा हूँ और जब भी आते ही अपन मिल लेंगे अच्छा मौका देख के। तो तब तक अपन वेट कर रहे हैं, बैठा हूँ, मेरे को लगभग आए हुए यहाँ पे 1-1.5 घंटा हो गया है और 8-9 बजे तक तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। फिर मैं जगह छोड़ दूँगा क्योंकि फिर मेरे को वापस अपनी जगह पे जाना पड़ेगा ना सर। तो मैं आपको थोड़ी सी बिल्डिंग वाली वाइब दे सकता हूँ कि यहाँ हूँ मैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता पाऊँगा, समझ रहे हो ना, समझ गए कि नहीं समझे अभी भी। इस वजह से बाकी देखो बजरंग बली का साथ है, महादेव का हाथ है।
मिल के तो जाएंगे ही जाएंगे इस बार, नहीं मिला तो घर नहीं जाऊंगा, ये बात पक्की है। मिलना है मतलब मिलना है, डन है मामला पूरा खींच के। ओके चलते हैं फिर वापस अपने स्टॉप पे, वहाँ पे अपना स्टॉप है, प्लेट भी वहीं रखी हुई है मैंने। तो चलते हैं वहाँ पे, बैठ जाते हैं वापस। सुबह 12 बजे आया था और 4 बजने को आइए, साढ़े चार हो गई है। और अभी तक मैं मिला नहीं हूँ एलविस भाई से, आज डे 1 है, लगा हुआ हूँ कोशिश में अभी भी, आज का आज ही मिल जाओ तो मतलब अच्छा हो जाए। संघर्ष जारी है, अब देखते हैं कब मिलना होता है, उसके हिसाब से मिलेंगे। इतना पक्का है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि वो वापिस गुड़गांव आ चुके हैं मुंबई से, अभी अभी थोड़ी देर पहले पता चला मेरे को, और वो कभी भी फ्लैट पे आ सकते हैं। एक मिनट रुको, ये फॉर्च्यूनर आ रही है क्या पता, ये वही तो नहीं है, मिलता हूँ वापिस आपसे। वो कोई दूसरी फॉर्च्यूनर थी किसी और की, उसके नंबर थे 5166 HR 26 HS 5166 HS ऐसे कुछ नंबर थे यार, इतना मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, जो मैंने देखे मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन इस बार ही आपका भाई मिल के जाएगा, पूरा ठान लिया है, विचार कर लिया है, एकदम सोच लिया पक्का। आज बाल भी यूँ अजीब लग रहे हैं, मतलब कि आधे ब्राउन आधे ब्लैक, क्या है ये, कौन सी जड़ है ये, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं कर रखी, एक पिंपल और हो गया यार, ताजा ताजा। दिक्कतें बहुत है यार, है तो है, क्या करें, जो काम हाथ में लिया उसको तो करना पड़ेगा ना। इन दिक्कतों को साइड में रख के काम तो तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें ग्रो करना है तो, है कि नहीं। चलो ठीक है फिर, इस व्लॉग को करते हैं अपन यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, सारी चीज़ें, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है यहाँ तक आ गया है, अब तुम्हारा प्यार है और सपोर्ट है वही मुझे मिलवा सकता है अलीश भाई से। कर लो यार प्लीज़, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ओके। सिस्टम पैड का चला छोर टोर मैं चला टोर मैं गाड़ी बजा मैं तुम्हें ठा मैं जिटी रोड पे।